नाम इकरा सईद खटक है और मैं बेसिकली करक से ताल्लुक़ रखती हूँ। आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ हियर इन पेशावर। एजुकेशन मेरा बीबीए बैकग्राउंड है, बीबीए ऑनर्स, और उसी के दौरान मैंने आर्ट का काम स्टार्ट कर दिया था। ख़ुद से ही स्केचेस और पेंटिंग करती थी। बीबीए के बाद एनसीए रावलपिंडी में डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया फॉर 6 मंथ्स, और फिर उसमें यह था कि मैंने रिफ़ाइन करना था पेंटिंग और ड्राइंग को। तो उसके बाद फिर मैंने वापस आके यहाँ पे आर्ट स्टूडियो खोल दिया। रीज़न उसकी ये थी क्योंकि यहाँ पे पूरे केवी में कोई ऐसी आर्ट स्टूडियो या आर्ट गैलरी नहीं है कि जिसमें आप जाके अपना काम एग्जिबिट करो, या टीचर्स आए वो पढ़ाएं आर्ट, और या तो फिर स्टूडेंट्स ऐसे आए जो यहाँ पे सीख सके। मैं डिफरेंट स्टाइल्स के काम कर रही होती, कभी कैलीग्राफी में भी होता है, पोर्ट्रेट में भी होता है, कभी बिल्कुल पॉप आर्ट की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने रिकॉर्ड डिस्क लिए हैं और उनको यूटिलाइज किया है इन माय आर्ट। एज एन आर्टिस्ट हमारा काम यही होता है कि हम अपने आर्ट से चीज़ को ब्यूटिफाई करें, जो आपके आसपास नॉर्मल दीवारें हैं उनको भी आप अपना आर्ट लगा कर उसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं उस एरिया को। तो इसी तरह जिस तरह मैंने पीछे फ्रेम्स का सेटअप किया हुआ है, तो इसमें यही है कि मैंने रैंडम फ्रेम्स उठाए और उनको कलर किया, इसी तरह पेंट किया, और फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन बना के मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। तो वो एक नॉर्मल दीवार से ये दीवार फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है लोगों के लिए। इसी तरह आप जब डिफरेंट कॉर्नर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट से ब्यूटिफाई करते हो, तो वो ऑब्वियसली आपका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। मेरा यही मेन पर्पज़ होता है कि एक चीज़ को ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के उसको आगे पुटअप करूँ। तो यही काम मोस्टली मेरा जा रहा होता है। कैलीग्राफी में भी यही होता है, इसी तरह नॉर्मल पोर्ट्रेट्स में भी यही होता है कि कलर्स को मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ एज़ कम्पेयर टू प्लेन वर्क। केपी में देर इज़ नो आर्ट एकेडमी, तो जब मैंने फ़र्स्ट स्टार्ट की तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस इसी वजह से आया कि ज़्यादातर लड़कियां आ जाती हैं और दे वांट टू लर्न आर्ट, और वो पेंटिंग और ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट शो करती हैं। तो इसी तरह आई टीच देम, और इसमें ये होता है कि मैं पोर्ट्रेट्स भी सिखाती हूँ, लैंडस्केप भी सिखा देती हूँ, और कैलीग्राफी का भी स्टार्ट होगा तो वो भी सिखाना है। तो इसी तरह डिफरेंट मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हम सिखा रहे होते हैं आर्ट में यहाँ पे। अगर आप फोकस्ड रहो तो आप इससे भी अपना करियर बना सकते हो। जैसे मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट किया तो करियर अच्छा चल सकता है इससे भी। और इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे ऐसे हैं जो यहाँ से सीख के अपना पेज बना के दे कैन एक्चुअली अर्न फ्रॉम दिस आर्ट। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो मैंने खोला है, इसको ऑब्वियसली एक्सपैंड करना है, इसको ऑब्वियसली बेटर साइड पर लेकर जाना है। तो प्लान मेरा यही है कि इसको लॉन्ग रन में डिफरेंट सिटीज़ में भी इसकी जगह बनानी है।